द्रव्य गुण पर्याय इस टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत द्रव्य किसे कहते हैं इसको हम समझ चुके हैं। इसके बाद गुण किसे कहते हैं इस बात को भी हम समझ चुके हैं। गुण दो प्रकार के हमने देखे थे, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और विशेष गुण जो अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी सामान्य जो गुण है उनकी चर्चा चल रही थी। सामान्य गुण कितने होते हैं, आप में से जल्दी से कोई बता सकता है? सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत 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 लगे प्रयोजन बुक छे। होते हैं। ये पहली बार में किसी ने आंसर दिया था कि छे, तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि जब मैं पूछूं कि सामान्य गुण कितने हैं तो आंसर क्या आना चाहिए कि अनंत सामान्य गुण अनंत है। कितने हैं सामान्य गुण? अनंत 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 है, लेकिन प्रयोजन वश कितने गुण बताए गए हैं? छह गुण बताए गए हैं। ठीक है, अब अनंत गुण है, उनमें से कुछ दो चार गुणों के नाम हमें बताए गए हैं। तो कितने गुण बताए कि भाई छह गुणों के नाम बताएं। अब उसमें ऐसा कोई रीजन नहीं है कि 7 गुणों के नाम क्यों नहीं बताए, 10 बता देते, 15 बता देते। कि यदि 15 भी बता देते तो भी हमारा क्वेश्चन तो वही रहता कि भाई 15 बताए तो एक और बता देते, 16 बता देते। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन नहीं है कि भाई 6 ही बताए। लेकिन जितने गुणों को जानकर हमारा प्रयोजन सद जाए, जितने गुणों को जानकर समझकर हमारा डर दूर हो जाए, हम वस्तु व्यवस्था को समझ सके, तो उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए 6 गुण जो सामान्य गुण है वो बताए गए हैं। कौन कौन से गुण है 6 सामान्य गुण? अस्तित्व गुण, अस्तित्व, अगुण, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। इस प्रकार 6 सामान्य गुण है। लास्ट क्लास तक हमने अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण, इन दोनों गुणों को समझ चुके हैं। अब आज हम जो तीसरा गुण है द्रव्यत्व गुण, उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू हम समझेंगे। चलिए, पीडीएफ आप सभी को दिखाई दे रही है? ओके, हाँ जी। देखिए, अस्तित्व और जो वस्तुत्व गुण है उनको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज हम जो तीसरा गुण है द्रव्यत्व गुण, उसको समझेंगे। चलिए, डेफिनेशन हम देखते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जिस शक्ति के कारण, हम शक्ति कहें, गुण कहें, क्वालिटी कहें, एट्रीब्यूट कहें, एक ही बात है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं, अवस्थाएं मतलब हालत, उसकी जो कंडीशन है वर्तमान में, जो उसकी हालत है, अवस्था है, वो निरंतर बदलती रहे, निरंतर हमेशा चेंज होती रहे, हर समय वो चेंज होती रहती है। तो जिस शक्ति के कारण वो चेंज होते हैं उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक गुण पढ़ के कोई सा द्रव्य याद आ रहा है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। इस गुण को जीव पढ़कर कोई सा द्रव्य आपको याद आ रहा है 6 द्रव्यों में से? जीव 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 द्रव्य। अच्छा, जीव द्रव्य क्यों याद आया आपको? क्योंकि अवस्थाएं बदलती रहती है, तो वो तो पर्याय पुद्गल द्रव्य की की भी बदलती है। काल द्रव्य वेरी गुड,
ये आंसर मैं आपसे सुनना चाहता था, काल द्रव्य। कोई आप में से बता सकता है काल द्रव्य किसे कहते हैं? कोई भी आप में से, एनीवन? समय को, समय पल इसको काल कहते हैं। समय पल इसको काल कहते हैं। जो 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 द्रव्य दूसरे सबके परिणाम में जो निमित होता है वो काल द्रव्य है। वेरी गुड, ये जो डेफिनेशन है एकदम सही है कि जो द्रव, जो काल द्रव्य है वह बाकी सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। परिणमन में निमित्त होता है मतलब क्या, कि सभी द्रव्यों के बदलने में, चेंज होने में, उनमें एक्टिविटीज जिससे हो सके, चेंजेस हो सके, तो उस चेंजेस में निमित्त कौन होता है? काल द्रव्य होता है। जब भी आपने द्रव्य वाला चैप्टर पढ़ा होगा या छह द्रव्यों को समझा होगा, उस छह द्रव्यों में एक शब्द बहुत मेन उसमें रहता है। कर्म वाले चैप्टर में भी वो शब्द हमने हाईलाइट किया था, किसी को याद आ रहा है वो शब्द? निमित्त। निमित्त, वेरी गुड। जब भी आप छह द्रव्यों का लेसन पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये वर्ड उसमें भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, किसी भी द्रव्य की डेफिनेशन देखेंगे उसमें आपको ये निमित्त वर्ड जरूर मिलेगा। निमित्त का मतलब हमने कर्मों में भी समझा था कि जहां पर हमने कर्मों को निमित्त कहा था उसका मतलब था कि कर्म वास्तव में करते नहीं है लेकिन उनके बिना कार्य नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये द्रव्यत्व गुण, कि जब काल द्रव्य बताया था ना कि काल द्रव्य के कारण सभी द्रव्य परिणमन करते हैं, तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो काल द्रव्य कुछ नहीं करता है। योग्यता किसमें है कि वो द्रव्यों में स्वयं में योग्यता है परिणमित होने की। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ। कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। मतलब सॉरी, हर द्रव्य में ऐसी योग्यता है, ऐसी क्वालिटी है अपने ही अंदर कि वो निरंतर चेंज होता रहे, निरंतर उसकी अवस्थाएं बदलती रहे। तो ऐसी जो क्वालिटी है वो किसके अंदर है? कि सभी द्रव्यों के अंदर है। और ऐसी योग्यता होने के कारण वो जो काल द्रव्य है वो निमित्त कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तो हमें यहाँ द्रव्यत्व गुण समझना है। तो ये जो द्रव्यत्व गुण है ये छयों द्रव्यों में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छह के छयों द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण पाया जाता है। और इसके कारण द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, कंडीशन है, हालत है, वो निरंतर बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य अर्थात द्रवित होना, बहना, परिणमित होना, और त्वा मतलब पना। तो द्रव्यत्व मतलब बहना, जिसका स्वभाव हो, बहते रहना, परिणमित होते रहना, बदलते रहना, जिसका स्वभाव हो, तो वो किसके कारण बदलते हैं? द्रव्यत्व गुण के कारण। ठीक है, चलिए द्रव्यत्व गुण की विशेषता। इस गुण के कारण द्रव्य में प्रति समय नई नई पर्याय होती रहती हैं। क्या होता है कि इस गुण के कारण द्रव्य में प्रति समय नई नई पर्याय होती रहती हैं। अब ये पर्याय किसे कहते हैं? तो ये जो पर्याय का कॉन्सेप्ट है वो हम इन छह सामान्य गुणों के बाद इस पर्याय को हम समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि हर द्रव्य की जो अवस्था है, हालत है, वर्तमान की जो कंडीशन है, उसे कहते हैं पर्याय। किसे कहते हैं पर्याय? वर्तमान में जो हमारी स्टेट है, वर्तमान में जो हमारी हालत है, उसका नाम क्या है? पर्याय। ठीक है, अब देखिए पर्याय हर समय बदलती है। यदि मैं इसको बहुत मोटे रूप में कहूं तो मान लीजिए हमारे पास चार समय है, इसको यदि कहूं तो चार सेकेंड्स है, एक सेकेंड, दो सेकेंड, थर्ड सेकेंड और फोर्थ सेकेंड। तो जैसा द्रव्य फर्स्ट सेकेंड में है, क्या सेकेंड सेकेंड में कुछ चेंजेस होंगे? हाँ जी। अच्छा, जब दूसरे सेकेंड से थर्ड सेकेंड पे पहुंचेगा तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? होंगे होंगे।
थर्ड सिर्फ जब फोर्थ में पहुंचेगा तब कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? चालू रहेगा, होंगे। मतलब यहाँ पर देखिए, जब हमने फर्स्ट सेकंड लिया था तो वो उसकी प्रेजेंट अवस्था थी, वर्तमान पर्याय थी, है ना। अब इस वर्तमान पर्याय को छोड़ा, मतलब फर्स्ट सेकंड को छोड़ा और दूसरे सेकंड में पहुंचा, तो फिर दोबारा दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई या नहीं हुई? हुई। तो इसे कहते हैं पर्याय। मतलब वर्तमान में जो हमारी हालत है, अवस्था है, उसका नाम क्या है? पर्याय है। और ये पर्याय प्रति समय, अभी तो मैं आपसे सेकंड्स में बात कर रहा था, लेकिन एक सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं। तो एक सेकंड के भी भाग करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जैसे अनंत भाग करने पर हमें एक समय प्राप्त होता है। एक समय, टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम क्या है? समय। तो जो पर्याय है वो हर समय बदल रही है, हर सेकंड नहीं, कब बदल रही है? हर समय। एक सेकंड में तो ना जाने कितनी पर्याय हमारी उत्पन्न हो जाती हैं और नष्ट हो जाती है, कितनी सारी पर्याय हमारी बदल जाती है। तो हर समय नई नई पर्याय होती है। सेकंड पॉइंट, कोई भी पर्याय एक समय से अधिक नहीं टिकती है। देखिए, और इस पर्याय की क्या खासियत है कि कोई भी पर्याय होगी वो एक समय से ज्यादा नहीं टिकेगी। मतलब एक समय में उत्पन्न हुई और एक ही समय में उसको नष्ट हो जाती है। एक समय में उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई। मतलब पर्याय जो है वो कितने काल की होती है, उसका लाइफ टाइम कितना होता है, उसकी आयु कितनी होती है? समय कि एक समय, पर्याय की आयु कितनी है? एक समय की, सिर्फ एक समय की वो पर्याय रहती है। अगले समय दूसरी पर्याय होती है, अगले समय फिर दूसरी पर्याय होगी। हर समय नई 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 पर्याय उत्पन्न होती है। थर्ड पॉइंट, वस्तु में नित नया परिवर्तन द्रव्यत्व गुण के कारण ही होता है। देखिए, वस्तु में निरंतर नया 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 परिवर्तन होता है। कोई भी वस्तु इस दुनिया की पुरानी नहीं है। आप किसी भी वस्तु का नाम बताइए जो पुरानी हो। हो सकता है आपके घर में 10 साल पुरानी टीवी रखी हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, वो 10 साल पुरानी टीवी पुरानी है या नई है? बताइए। नई। नई है। अच्छा, चलिए जैसे मैं आपकी एज पूछूं तो कैसे बताई जाती है कि 50 इयर्स ओल्ड, 60 इयर्स ओल्ड या 20 इयर्स ओल्ड, 30 इयर्स ओल्ड? क्या बोलते हैं हम कि 30 इयर्स ओल्ड, मतलब 30 साल पुराने हो गए हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आपकी जो भी एज है, 30 साल है, 40, 50 साल, जो भी एज है आपकी, मान लीजिए 50 साल एज है, तो आप 50 साल पुराने हो गए या अभी भी नए हैं? सोचिए जरा। पुराने, क्योंकि वो समय बीत गया। अच्छा, 50 साल आप पुराने हैं, तो फिर आप पुराने कहलाओगे या नए, निरंतर नए नए हो? द्रव्यत्व गुण यहाँ पर ये कह रहा है कि द्रव्य निरंतर नया 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 परिवर्तन करता है। हम कभी पुराने हुए ही नहीं, हम निरंतर नए 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 हैं। निरंतर नवीन नवीन नई नई पर्याय उत्पन्न होती हैं हर समय। हर समय हम नए नए रूप में परिमित होते हैं। तो वस्तु में नित नया परिवर्तन द्रव्यत्व गुण के कारण ही होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट, तो वस्तु में जो निरंतर नया नया परिवर्तन होता है वो द्रव्यत्व गुण के कारण होता है। और चौथा पॉइंट, द्रव्यत्व गुण के कारण ही द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। देखिए, बहुत सारे हमने नाम पहले देख चुके हैं, सत्य कहते हैं, वस्तु कहते हैं, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसी को द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य किस गुण के कारण कहते हैं? इस द्रव्यत्व गुण के कारण ही द्रव्य को हम द्रव्य कहते हैं, या वस्तु को द्रव्य कहते हैं, या सत्य को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार द्रव्यत्व गुण की विशेषताएं हैं। द्रव्यत्व गुण के कारण
प्रत्येक द्रव्य निरंतर नया नया परिवर्तन करता है। देखिए द्रव्यत्व गुण की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। जैसे काल द्रव्य था कि काल द्रव्य के कारण परिणामन करते हैं, तो फिर इस द्रव्यत्व गुण की जरूरत क्या है। देखिए कभी आपने ऐसा देखा है कि आपकी जो टेबल है या आपकी जो चेयर है वो ह्यूमन बन जाए, इंसान बन जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि टेबल में या आपकी चेयर में इतने चेंजेस हों कि वो एक दिन जीव द्रव्य बन जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे यस या नो? नो, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अच्छा जैसे आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्स है, तो आंख और चश्मे इतने सालों से एकदम एक दूसरे के इतने पास पास रह रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका चश्मा ही आंखें बन गया हो? नहीं, नहीं।, नहीं हुआ। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, कि कभी पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य क्यों नहीं बनता है? काल द्रव्य है, काल द्रव्य चेंजेस कराता है, चेंज में निमित्त होता है, तो फिर द्रव्यों में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं ना कि कभी जीव द्रव्य पुद्गल बन जाता है, पुद्गल जीव बन जाता। भाई चेंजेस ही तो करने हैं कि नहीं? हर द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता है, हर द्रव्य में अपना अपना द्रव्यत्व गुण है। जीव द्रव्य निरंतर परिणामन हो ये तो योग्यता है ही, लेकिन ऐसी योग्यता नहीं है कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य बन जाए। जिसकी जैसी योग्यता होती है वो उसी रूप परिणमित होता है। अब जिसमें पुद्गल द्रव्य रूप होने की योग्यता है ही नहीं, तो पुद्गल द्रव्य कैसे बन जाएगा? जीव द्रव्य में जीव रूप से परिणमित होने की तो शक्ति है, लेकिन जीव द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो पुद्गल द्रव्य रूप परिणमित हो जाए, या पुद्गल द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो जीव द्रव्य रूप परिणमित हो जाए। ये कार्य तो अगुरु लघुत्व गुण का है ना, तो द्रव्यत्व गुण का हम कैसे कहेंगे? ये एक अगुरु लघुत्व गुण को भी हम आगे समझेंगे, अभी हम द्रव्यत्व गुण की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमित नहीं होता है तो उसका तो मेन कारण तो अगुरु लघुत्व गुण ही होगा ना। अगुरु लघुत्व गुण ही है, और उसकी चर्चा मैं अभी आगे आके करूंगा, लेकिन अभी मैं इस बात को समझा रहा हूँ कि वो जो द्रव्यत्व गुण है, हर द्रव्य का अपना अपना द्रव्यत्व गुण है, जिसके कारण निरंतर अवस्थाएं बदल रही हैं। ठीक है, चलिए, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं, और द्रव्यत्व गुण की क्या क्या विशेषता है वो हम देख चुके हैं। चलिए, द्रव्यत्व गुण को जानने से क्या लाभ है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, जो भी पर्याय है, अच्छी हो या बुरी हो, वह ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। यह समझ आने पर क्षणिक पर्यायों में सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। देखिए, जो भी पर्याय है, अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, वह ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं होती है। मतलब एक समय की ही होती है, एक समय में उत्पन्न हुई और फिर वह नष्ट हो जाती है, अगले समय वो पर्याय होती ही नहीं। तो जो भी पर्याय है, अच्छी हो बुरी हो, वह ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं होती है। यह समझ आने पर हम क्षणिक पर्यायों में सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। हमारे जो दुख का कारण होता है वो यही होता है कि हमारा लक्ष्य, हमारा जो फोकस है वो हमेशा पर्यायों की तरफ होता है, जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी तरफ हमारा फोकस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पर्याय है वो तो एक समय की है, एक समय में पैदा हुई और फिर वो चली गई, और फिर हम टेंशन किसकी लेते रहते हैं? कि जो पर्याय नष्ट हो चुकी है उसकी टेंशन लेके हम दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो पर्याय तो एक समय की है, एक समय से ज्यादा रहने वाली नहीं है। तो जब हमें ऐसा समझ में आ जाएगा तो जो क्षणिक पर्याय है, ट्रांसिएंट पर्याय है, उनमें सुख दुख का अनुभव हमें नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, बुरा समय भी पर्याय ही है, यही भी गुजर जाएगा, ऐसा विचार
ऐसे विचार से आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते हैं। और इसी प्रकार अच्छा समय भी क्या है कि वो भी पर्याय ही है। तो अच्छे समय में हमें अहंकार नहीं होता है। मान लीजिए कभी बुरा समय आया, कुछ घटना ऐसी घट जाए, तो वो सब भी क्या है कि पर्याय ही तो है। और जब ये पर्याय है इसका मतलब वो एक समय की है, और एक समय की है इसका मतलब वो सेकंड समय में रहने वाली नहीं है। तो जब हमें ऐसा पता चलेगा तो हम व्यर्थ की जो टेंशन लेते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, वो परिणाम हमारे नहीं होंगे। और हमारा अच्छा समय भी आता है, सब कुछ अच्छा जीवन में चल रहा हो, तो उस समय भी हमें अहंकार घमंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता होगा कि ये भी एक पर्याय है, आज पैदा हुई है कल को नष्ट भी होगी। थर्ड पॉइंट, वस्तु की स्थिति हमेशा एक सी नहीं बनी रह सकती। ऐसा विचार करने से कुछ समय की पर्यायों से दृष्टि हटकर द्रव्य पर दृष्टि आ जाती है। कि जब हमें ये पता चलेगा कि वस्तु की स्थिति जो है वो हमेशा एक सी नहीं रह सकती है, कभी हमें ज्यादा ज्ञान होगा, कभी हमें कम ज्ञान होगा, कभी हम मनुष्य पर्याय में होंगे, कभी देव पर्याय में होंगे, कभी त्रियंच बनेंगे, कभी नारकी बनेंगे, मतलब ये पर्याय तो निरंतर बदलती रहेंगी। तो हमें लक्ष्य कहाँ करना है, फोकस कहाँ करना है, कि उन पर्यायों पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तो बदलती रहेंगी, और बदलती हुई चीज पे हमारा फोकस कैसे रहेगा? तो फोकस हमें पर्यायों से हटाकर, दृष्टि पर्यायों से हटाकर द्रव्य पर हमारी दृष्टि आ जाती है। देखिए तीनों पॉइंट में बात एक ही कही गई है कि पर्याय क्षणिक है, ट्रांसिएंट है, वो बदलने वाली है। इसलिए हमारा फोकस हमें उन पर्यायों से हटाकर द्रव्य पर लाना है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप देखें। मान लीजिए आपके घर में एसी है और वो एसी खराब हो जाता है, तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हो क्या? मान लीजिए एसी है और वो आपके घर का खराब हो जाता है, तो आप एकदम से बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हो, पैनिक कर लेते हो कि अरे इतना महंगा एसी था, खराब हो गया, अब क्या होगा, अब तो फेंकना पड़ेगा। तो क्या वो एसी को आप निकाल के फेंक देते हो यदि खराब हो जाए तो? नहीं, कि नहीं फेंकते हैं। तो फिर आप क्या करवाते हैं? रिपेयर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी जो एसी खराब हुआ है वो तो उसकी पर्याय है, लेकिन आपका फोकस उस समय कहाँ पर रहता है? कि द्रव्य पर आप उसका फोकस रहता है कि वो एसी तो सही हो जाएगा, एसी में कुछ नहीं हुआ, खराबी हुई है तो वो सही भी हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सब क्या है? पर्याय है, वो तो चेंज होने वाली है। लेकिन हम शांति से कैसे रह सकते हैं कि यदि हमारा फोकस कहाँ पर होगा? द्रव्य पर यदि हमारा फोकस होगा तो हम कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास डायमंड है, एक हीरा है, और वो मान लीजिए गंदा हो जाता है, उस पर कीचड़ लग गया है, धूल मिट्टी लग गई है, बहुत गंदा सा हो गया है, तो फिर आप टेंशन लेते हो क्या कि अरे अब तो डायमंड की कीमत बहुत कम हो जाएगी? नहीं। आपको टेंशन होती है कभी कि मान लीजिए हीरा है और वो जमीन पर गिर गया है, धूल मिट्टी थी, कीचड़ था, वो कीचड़ में बिल्कुल लथपथ हो गया है, उसकी चमक हमें दिखाई नहीं दे रही है, एकदम कीचड़ सा लथपथ है, कीचड़ जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो फिर आप टेंशन लेते हो क्या? नहीं, कि अरे अब तो ये हीरा किसी काम का नहीं रहा। कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस उस समय भी कहां पर है कि वो द्रव्य पर है, उस हीरे पर है। कि आपको पता है कि भले ही पर्याय उसकी कैसी भी अभी दिखाई दे रही हो, गंदगी अभी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको उस द्रव्य की कीमत पता है या नहीं पता है? उस हीरे की कीमत आपको पता है या नहीं पता है? तो फिर आप कोई टेंशन लेते हो कि अरे अब तो मेरा हीरा वेस्ट हो गया, खराब हो गया, कोई लेगा नहीं? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है उस समय भी वो हीरे की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। आप अपनी लाइफ में और इसको यूज करके देख सकते हैं। जहां भी आपको चेंजेस दिखाई दें उसका नाम पर्याय है।
जब हम पर्याय की बात करेंगे तब उस पर हम और विशेष बात करेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझे कि जो भी आपको चेंजेस दिखाई दे उसका नाम क्या है, पर्याय है। तो मान लीजिए हमारा जो शरीर है उसमें भी निरंतर चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, निरंतर चेंजेस होते हैं। तो इसका मतलब वो भी क्या है, पर्याय है। आज मान लीजिए कोई गोरा है, कल को काला हो जाए, आज युवा है, कल को वृद्ध हो जाएंगे, आज स्वस्थ है, कल को बीमार हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम दुखी किस बात से होते हैं कि जब हम पर्यायों पे फोकस करते हैं कि अरे मैं बूढ़ा हो गया, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, मैं कितना कमजोर हूँ, जब हमारा फोकस पर्याय पर रहता है तो हम दुखी होते हैं। और उसी समय यदि हमारा फोकस द्रव्य पर हो तो कोई दुखी होगा ही नहीं। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो पर्याय है वो तो चेंज होती रहती है, उसका स्वभाव ही है चेंज होना, लेकिन हमारा काम क्या है कि हमारा फोकस, हमारी दृष्टि उन पर्यायों से हटाकर द्रव्य पर यदि हम करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, वरना ऐसे ही दुखी होते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ द्रव्यत्व गुण को जानने से लाभ थे। अब जो अगला गुण है वो है प्रमेयत्व गुण। अगला गुण कौन सा है? प्रमेयत्व गुण। चलिए देखते हैं प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अब देखिए एक ऐसा गुण है कि हर द्रव्य के अंदर ऐसी ताकत है कि कोई ना कोई उसे जान सके। देखिए जानना एक अलग ताकत है और जानने में आने की शक्ति होना ये अलग ताकत है। दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। जैसे जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण से जीव क्या करता है, जानता है। ज्ञान गुण से जीव क्या करता है, जानता है। लेकिन जानने में आए ऐसी ताकत भी तो द्रव्य में होनी चाहिए। यदि मान लीजिए द्रव्य में ऐसी ताकत हुई ना कि वो उसको कोई जान ही ना सके तो फिर ज्ञान उसको कैसे जान पाता। तो हर द्रव्य में एक ऐसी ताकत होती है जिसके कारण वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है, मतलब वो जानने में आ सके ऐसी ताकत द्रव्य में होती है। जानने की ताकत तो सिर्फ जीव द्रव्य में है, लेकिन जानने में आने की ताकत कितने द्रव्यों में है, आप में से कोई बताएगा? हर द्रव्य में छयों द्रव्यों में ये ताकत है कि वो जानने में आ सके। ठीक है, जानने की ताकत जीव द्रव्य में, लेकिन जानने में आने की ताकत जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल छयों द्रव्यों में ताकत है कि वो जानने में आ सके। और वो शक्ति वो गुण कौन सा है कि प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। देखिए प्र मतलब प्रकृष्ट अच्छे से, गे मतलब जानने में आने योग्य, तो मतलब पना अच्छे से जानने में आने योग्य वस्तु होती है वो किस गुण के कारण, प्रमेयत्व गुण के कारण। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी के ज्ञान का विषय ना बन रही हो। इसमें मेय का सर अर्थ कैसे लिया गया है, क्या मेय शब्द जो प्रमेयत्व है इसमें प्रमेय, हाँ तो इसमें प्रज्ञेय लिया हमने, तो मेय से ज्ञेय किस तरह बना? अच्छा देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रमेय का मतलब होता है जो जानने में आने योग्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृष्ट मतलब अच्छे से, यहाँ पर क्योंकि गे लिखा है लेकिन जो मूल धातु है वो मियते इस प्रकार की धातु होती है, उससे शब्द बनता है कि जो जानने में आने योग्य हो, जिसे हम गे कहते हैं उससे ही हम प्रमेय कह सकते हैं। ठीक है, चार चीजें होती हैं, प्रमाण है, प्रमाता है, प्रमेय है, प्रमिति है, ये सब ज्ञान से रिलेटेड टर्म है। जैसे हम कहते हैं ना ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञप्ति,
तो ये मतलब जो जानने में आने योग्य है उसी को हम कहते हैं प्रमेय, मतलब जो जानने में आने योग्य है। ठीक है, चलिए। तो प्रमेयत्व गुण मतलब इस दुनिया में ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जानने में नहीं आती हो। हर द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि कुछ गलत काम हम कर लें और फिर कोई हमें नहीं देख पाएगा, हम छुप जाएंगे, तो वास्तव में ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम सभी में प्रमेयत्व गुण है और इस प्रमेयत्व गुण के कारण हम किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। आप कह सकते हैं कि मान लो मैं बिल्कुल एकांत जगह पर हूँ, अकेला हूँ, बिल्कुल कोई भी मेरे आसपास नहीं है, तब मैं किसके ज्ञान का विषय बनूंगा? कि तब भी हम जो सर्वज्ञ भगवान है उनके ज्ञान का विषय तो हमेशा ही बनते हैं। इसलिए इस जगत में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जो किसी के ज्ञान का विषय ना बनती हो। देखिए, प्रमेयत्व गुण की क्या विशेषता है? इस गुण के कारण पूरे लोक में ऐसा कोई भी पदार्थ या द्रव्य नहीं है जो किसी के ज्ञान में ना आ रहा हो। इस जगत में हर द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान में आता ही है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अनजानी रह जाए। और तीसरा, प्रमेयत्व गुण के कारण ही द्रव्य को प्रमेय या गेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेयत्व गुण के कारण ही द्रव्य को प्रमेय या गेय कहते हैं। ठीक है, तो प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य को प्रमेय कहते हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को क्या कहते हैं? जल्दी से आप में कोई बताएगा, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को क्या कहते हैं? वस्तु। वस्तु। और अस्तित्व गुण के कारण? सत्ता। सत्ता। सत्ता नहीं, सत्व। ओके, ठीक है, सिर्फ सत्व। तो अभी हमने देखे द्रव्य के कितने सारे नाम हो गए हैं, सत्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, या उसी को हम ये भी कहते हैं। तो चार नाम अभी आपने देख लिए, सत, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, गे, ये सभी किसके नाम है? द्रव्य के ही नाम है। चलिए, प्रमेय गुण को जानने से क्या लाभ है? हम भी किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य है, इससे चोरी छिपे गलत कार्य करने का भाव छूट जाता है। मतलब जब हमें ये पता चलेगा कि हम भी किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो अवश्य बनते ही हैं, तो जब हमें ऐसा पता चलेगा तो चोरी छिपे कुछ गलत कार्य करें, हम जो हमारे अंदर ऐसी सोच रहती है कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा, कर लेते हैं, बुरा काम कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, तो वो जो भाव है हमारे अंदर वो छूट जाता है, दूर हो जाता है। और कोई ऐसा ज्ञान अवश्य है जो सभी पदार्थों को जान रहा है, इससे केवल ज्ञान व सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। मतलब कोई ना कोई ऐसा ज्ञान तो जरूर है जो सभी पदार्थों को जान रहा है, तो वो ज्ञान कौन सा हो सकता है? कि वो ज्ञान केवल ज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान में तीन लोक के सारे पदार्थ एक साथ एक समय में केवली भगवान को झलकते हैं। तो केवल ज्ञान सर्वज्ञता ही एक ऐसा ज्ञान है जिसमें सभी द्रव्यों का ज्ञान एक साथ संभव होता है, तो इसके माध्यम से केवल ज्ञान की सर्वज्ञता की सिद्धि भी होती है प्रमेयत्व गुण के कारण। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार द्रव्यत्व गुण और प्रमेयत्व गुण को अभी हमने समझा है। अगला जो गुण है वह है अगुरु लघुत्व गुण। कौन सा गुण है? एक बार आप सभी रिपीट कर सकते हैं, पांचवा जो गुण है वो कौन सा है? अगुरु लघुत्व। बहुत बढ़िया, अगुरु लघुत्व गुण। देखिए, अब इसका नाम भी थोड़ा बड़ा है और डेफिनेशन भी थोड़ी बड़ी है, लेकिन बहुत आसान है। देखिए, इसको हम समझते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। देखिए, सबसे इसको हम डिवाइड कर करके याद करेंगे
अलग अलग पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। एक बार आप सभी भी रिपीट कर सकते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। अब इसका मतलब बताया जा रहा है कि इसका मतलब क्या है कि द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते। पहला पॉइंट क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते। सेकंड पार्ट क्या है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते। दो पार्ट आपको याद हुए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते। इजी है। अब आगे, तथा द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। थर्ड पार्ट क्या था कि द्रव्य में जो अनंत गुण पाए जाते हैं वो बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अगुरु लघुत्व गुण का कार्य इतना है कि वो द्रव्य को द्रव्य बनाए रखता है। मतलब ये गुण अभी द्रव्य है, सुपर ग्लू का काम करता है। को जीव द्रव्य बनाए रखने का काम कौन करता है, अगुरु लघुत्व गुण। अब जीव द्रव्य कब बना रहेगा, तो उसके लिए तीन पॉइंट बताएं कि भाई जीव द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित ना हो। तो वही यहाँ पर लिखा कि अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते हैं। देखिए, इस पार्ट को अभी मेन जो पार्ट है वो तो सिर्फ इतना सा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। मेन पार्ट तो सिर्फ इतना है अगुरु लघुत्व गुण का, कि अगुरु लघुत्व गुण का कार्य क्या है कि वो द्रव्य का जो द्रव्यपना है उसको कायम रखता है। जैसे जीव द्रव्य है तो उसको जीव द्रव्य को जीव द्रव्य बनाए रखता है। अब लेकिन क्वेश्चन खड़ा हुआ कि वो काम कैसे करता है, ये प्रोसेस कैसे होती है, तो उसको समझाने के लिए आगे की तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, मतलब कि जैसे जीव द्रव्य है तो जीव पुद्गल द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जीव में ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण स्पर्श गुण रूप परिणमित नहीं होता, रस गुण रूप परिणमित नहीं होता, इतना ही नहीं वो ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप भी परिणमित नहीं होता, चारित्र गुण रूप भी परिणमित नहीं होता, मतलब वो गुण गुण रूप से ही रहता है। तो द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है ना कि चलो दूसरे रूप तो चेंज ना हो, लेकिन यदि किसी द्रव्य में से सारे गुण बिखर के अलग अलग हो जाए तो, कि ऐसी कंडीशन कभी बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि हर द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है और उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण किसी भी द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं। डेफिनेशन समझ में आ रही है आप सभी को? देखिए, इसको एक अपन छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी दो लोगों को ले लेता हूँ, ओके, जैसे मान लीजिए उदय जी हैं और नीरव जी हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है, उदय जी और नीरव जी? हाँ जी, ओके, चलिए। तो चलिए अपन उदय जी की डेफिनेशन बनाते हैं कि अगुरु लघुत्व गुण उदय जी में है, तो उसके कारण क्या होता है कि जिस शक्ति के कारण उदय जी का उदयपना कायम रहता है, मतलब जो उदय जी है वो उदय जी ही रहते हैं, नीरव जी नहीं बन जाते हैं। पहला पार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को,
कि अगुरु लुगत्व गुण क्या काम कर रहा है कि हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, उदय जी हैं और नीरव जी हैं, तो उदय जी रहते हैं और नीरव जी रहते हैं, तो उदय जी का उदय जी पना कायम रहता है। पहला पार्ट समझ में आया आप सभी को? जी। चलिए अब लेकिन एक क्वेश्चन तो खड़ा होगा कि ये प्रोसेस कैसे होती है, ये कैसे पॉसिबल है, उसको अब समझा रहे हैं कि क्या क्या होता है इस गुण के कारण कि एक द्रव्य दूसरे द्रव रूप परिणमित नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उदय जी है तो उदय जी बदल के नीरव जी रूप परिणमित नहीं होते हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव रूप परिणमित नहीं होता है। ये पार्ट समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब उदय जी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज हैं बहुत सारी और नीरव जी के अंदर अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज हैं बहुत सारी, तो अब उदय जी के गुण बदल के नीरव जी के गुण में नहीं बदल जाते हैं और नीरव जी की जो क्वालिटीज हैं वो उदय जी की क्वालिटीज में परिणमित नहीं होते हैं। मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। और अब एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि चलिए जो उदय जी है वो नीरव जी तो नहीं बनेंगे, लेकिन यदि उदय जी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए तो, यदि उनके क्वालिटीज उनमें से बाहर निकल जाए तो उसका भी समाधान है कि द्रव्य के अंदर रहने वाले जो अनंत गुण हैं वो बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि बॉक्स है, कोई बॉक्स है और उसमें यदि छेद हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक वॉटर बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी में यदि छेद हो जाए तो क्या होगा? पानी में छेद नहीं होता, पानी गिर जाएगा, कि पूरा जो पानी है वो बाहर फैल जाएगा। तो क्या द्रव में ये पॉसिबल है? नहीं। क्या द्रव में ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से उसके अंदर के सारे गुण बाहर निकल जाए? नहीं। कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है, इस अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण है वो बिखर कर कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। डेफिनेशन समझ में आई आप सभी को? तो इस प्रकार उदय जी रहे और नीरव जी रहे, उदय जी नीरव जी में नहीं बदले और नीरव जी उदय जी में नहीं बदले। तो ये जो कार्य है वो किसका है? अगुरु लघुत्व गुण का। ठीक है, चलिए अब शब्द साम अर्थ देख लेते हैं। आ मतलब नहीं, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, अर्थात एक द्रव्य अन्य द्रव्य के मिलने से बड़ा नहीं हो जाता और गुणों के बिखर जाने पर छोटा नहीं होता है। तो अगुरु लघुत्व मतलब जो द्रव्य है वो ना बड़ा होता है और ना छोटा होता है। इसका मतलब किसी दूसरे के गुण हमारे में आके मिलते नहीं है कि मैं कुछ बड़ा हो जाऊं, या मेरे गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते हैं कि मैं कुछ छोटा हो जाऊं, तो ना मुझमें कोई एक्स्ट्रा गुण आते हैं और ना ही मुझमें से कोई गुण माइनस होते हैं। तो मैं जैसा हूं वैसा ही रहता हूं, तो ना मैं बड़ा होता हूं ना मैं छोटा होता हूं। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, आ मतलब नहीं, तो जो ना छोटा है और ना बड़ा है, जो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, किस शक्ति के कारण? कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण। ठीक है, चलिए अगुरु लघुत्व गुण की क्या विशेषता है? इस गुण के कारण हमें छहों द्रव्य एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। जैसे शरीर में आत्मा के रहते हुए भी पुद्गल शरीर जीव और जीव पुद्गल रूप शरीर नहीं बन जाता है। अगुरु लघुत्व गुण कितना बड़ा काम करता है, जीव और शरीर कितने काल से एक साथ रह रहे हैं, अनादि काल से ये जीव और शरीर एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक जीव शरीर रूप नहीं बदला और शरीर जीव नहीं बन गया। बताइए, कम से कम आपको ही देखते देखते 30 साल 40 साल 50 साल तो हो ही गए हैं कि आपका शरीर और आत्मा जीव द्रव्य एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इन 50 सालों में 30 40 50 सालों में
क्या कभी आपका शरीर जीव बन गया क्या? या जो आपकी आत्मा है वो शरीर बन गई क्या? नहीं, कि ना जीव शरीर बना और ना शरीर कभी जीव बना। तो या गुरु लघु गुरु ने कितना बड़ा काम किया है कि जो द्रव्य जैसा है वो वैसा ही रहता है, अन्य द्रव्य रूप परिणमित कभी भी नहीं होता है। अच्छा, हमें कभी ऐसी टेंशन भी होती है क्या कि अरे यदि मैं कभी टेबल बन गया तो, कभी चेयर बन गया तो? कि कभी हमें ऐसी टेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, अगुरु लघुत्व गुण है, और इस अगुरु लघुत्व गुण के कारण मैं हमेशा जीव द्रव्य ही रहूंगा, पुद्गल हमेशा पुद्गल द्रव्य रहेगा। हर द्रव्य में ये अगुरु लघुत्व गुण पाया जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट, इस गुण के कारण द्रव्य में अनंत गुण रहते हुए भी उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। जैसे जीव में ज्ञान गुण सुख गुण रूप परिणमित नहीं होता और सुख ज्ञान गुण रूप नहीं होता है। देखिए, एक द्रव्य में अनंत गुण एक साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं, लेकिन ऐसा होने के बावजूद ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण में नहीं बदला और दर्शन गुण कभी ज्ञान गुण में नहीं बदला। कैसी सुंदर व्यवस्था है, एक ही जगह पर अनंत गुण रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हर गुण की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। हर गुण कोई भी गुण दूसरे गुण रूप नहीं बदल गया एक ही जगह में रहने के बावजूद। तो ये कैसे संभव है? किस अगुरु लघुत्व गुण के कारण, या अगुरु लघुत्व गुण के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमित नहीं होता। यदि मान लीजिए अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता तो क्या दिक्कत होती, आप बता सकते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या दिक्कत खड़ी होती यदि अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता? अगर अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता तो विश्व शून्य हो जाता। क्या हो जाता? विश्व शून्य हो जाता, विश्व का नाश हो जाता। हाँ, यदि अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता तो विश्व के शून्य होने का प्रसंग खड़ा हो जाता। बात को समझ में नहीं आई कि यदि अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता तो विश्व नष्ट कैसे हो जाता, कि अरे यदि ये अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता तो ये पॉसिबिलिटी भी तो खड़ी हो जाती कि द्रव्य नष्ट हो जाते, द्रव्यों के अंदर रहने वाले जो गुण है वो सारे उससे निकल जाते, और यदि गुण ही अलग हो जाते तो फिर द्रव्य क्या बचता? क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह का नाम ही तो द्रव्य है, और जब गुण ही नहीं बचे तो फिर द्रव्य किसे कहेंगे हम? तो यदि मान लो सभी द्रव्यों के गुण खत्म हो जाते, बिखर कर अलग अलग हो जाते, तो फिर ये विश्व ही नष्ट हो जाता। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता तो विश्व की शून्यता का प्रसंग खड़ा होता। यदि सेकंड गुण के हिसाब से हम देखें कि इस गुण के कारण द्रव्य में अनंत गुण रहते हुए भी उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है, यदि अगुरु लघुत्व गुण नहीं होता तो एक गुण दूसरे गुण में परिणमित हो जाता, चेंज हो जाता। जैसे आत्मा में जीव द्रव्य में ज्ञान गुण भी है और वहीं पर सुख गुण भी है। अब मान लीजिए एक ही जगह पर रह रहे हैं इतने टाइम से, तो ज्ञान गुण यदि सुख में चेंज हो जाता तो कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, जीव द्रव्य में से जानने की शक्ति खत्म हो जाती, क्योंकि वो तो सुख गुण में परिणमित हो गया। अब ज्ञान गुण नहीं बचा तो फिर हम जानते किससे? तो इसलिए अगुरु लघुत्व गुण के कारण ही एक गुण दूसरे गुण रूप भी चेंज नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट, इस गुण के कारण ही द्रव्य और गुण का साथ सदैव बना रहता है और द्रव्य गुणों से अलग नहीं हो पाता है। मतलब सबसे पक्की दोस्ती यदि किसी की है तो वो किसकी है, ये द्रव्य और गुण की सबसे पक्की दोस्ती है। कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कभी गुण आत्मा से बिखर कर बाहर चले जाए, कि कोई गुण किसी द्रव्य में से गुण बिखर कर अलग अलग हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जैसे जीव से ज्ञान गुण का अलग ना होना है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ज्ञान गुण आत्मा से बाहर निकल जाए। तो ये अगुरु लघुत्व गुण की कुछ विशेषताएं हैं।
देखिए अगुण लघुत्व गुण को जानने से क्या लाभ है? अन्य द्रव्य मेरे में कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, यह मान्यता मिट जाती है। हमें इसी बात की टेंशन बनी रहती है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा, कुछ कम कर देगा, या इस बात की उम्मीद में रहते हैं कि कोई मेरी मदद कर देगा, मुझे कुछ बढ़ा देगा। लेकिन दोनों ही बातें यहाँ पर खत्म हो जाती है कि कोई मुझ में कुछ घटा नहीं सकता और कोई मुझ में कुछ बढ़ा नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, मैं अन्य द्रव्य में कुछ घटा बढ़ा सकता हूँ, यह भावना मिट जाती है। कोई मेरे में कुछ कर सके ये तो पॉसिबल है ही नहीं, और मैं भी किसी दूसरे में कुछ कर सकूं ये भी पॉसिबल नहीं है। और थर्ड पॉइंट, मेरे गुण मुझसे कोई छीन सकता है, यह वह दूर हो जाता है। एक शिकायत हमारी हमेशा बनी रहती है ना कि उसके कारण मैं बुरा बन गया, वो नहीं होता तो मैं तो अच्छा ही था, या उसके कारण मुझे ये करना पड़ा, गलत काम करना पड़ा। तो अगुण लघुत्व गुण को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि कोई भी मुझसे मेरे गुणों को छीन नहीं सकता है। कोई हम कितनी अनादि काल से निगोद में थे, लेकिन निगोद में रहने पर भी ज्ञान गुण इतना सा भी कम नहीं हुआ। तो मेरे गुण मुझसे कोई छीन सकता है, यह भय भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार अगुण लघुत्व गुण को अभी हमने समझा है। अब जो अंतिम गुण है, प्रदेशत्व गुण, उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के कारण हर द्रव का कोई ना कोई शेप होता है। जीव द्रव का भी अपना शेप होगा, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, हर द्रव्य का अपना अपना कोई ना कोई शेप अवश्य होता है। ठीक है, चलिए तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि आत्मा का कैसा शेप होता है। देखिए जैसे पानी है, वॉटर है, तो पानी का शेप कैसा होता है? पानी को हम जिस वेसल में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, उसका वैसा आकार हो जाता है। यदि हम गिलास में रखेंगे तो गिलास के जैसा आकार हो जाएगा, कप में रखेंगे तो कप के जैसा आकार हो जाएगा, जग में रखेंगे तो जग के जैसा आकार हो जाएगा। जिस बर्तन में हम उसको रखते हैं, जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं, उसका वैसा शेप हो जाता है। ऐसी कुछ व्यवस्था आत्मा के साथ है कि आत्मा का कौन सा शेप है कि जिस शरीर में वो रहता है उसका वैसा ही शेप हो जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि यदि हम पानी को किसी कंटेनर में नहीं रखें तो फिर उसका कोई आकार होगा या नहीं होगा? कि तब भी उसका कोई ना कोई आकार तो होगा ही ना, भले ही हम उसको नाम ना दे पाए कि सर्कल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, लेकिन जो कोई भी उसका शेप बनेगा, आकार बनेगा, वो एक शेप तो होगा ना। तो उसी प्रकार आत्मा का भी हमेशा कोई ना कोई आकार रहता है। हर द्रव्य का, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी के अपने अपने आकार होते हैं। प्रदेशत गुण की क्या विशेषता है? प्रदेशत गुण के कारण जीव प्राप्त शरीर के आकार रूप रहता है तथा सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुष आकार। देखिए संसारी जितने भी जीव हैं उनको तो शरीर है, तो शरीर होने के कारण आत्मा जिस शरीर में होगी उस आकार के रूप में होगी। लेकिन सिद्ध भगवान के पास तो कोई शरीर नहीं है, तो उनका आकार कैसा होता है? कि उनका आकार जो लास्ट शरीर था उनका, उसके आकार रूप होता है। जब हमने सिद्ध भगवान की डेफिनेशन देखी थी तब भी हमने इसको पढ़ा था कि किंचित न्यून पुरुषाकार। इसका मतलब जैसे महावीर भगवान थे, तो महावीर भगवान का जो लास्ट शरीर था, महावीर की दशा में जो लास्ट शरीर था, तो सिद्ध दशा में भी उनका वही आकार होगा आत्मा का। बस अंतर क्या होगा? किंचित न्यून होगा, थोड़ा सा कम होगा। और वो थोड़ा सा कम क्यों होता है, इसको हमने जब सिद्ध भगवान की डेफिनेशन देखी थी तब हमने समझा था। चलिए सेकंड पॉइंट, प्रदेशत गुण के कारण अन्य द्रव्य के भी अपने अपने आकार होते हैं। प्रदेशत गुण के कारण बाकी के जो द्रव्य हैं, पुद्गल है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी के अपने अपने आकार होते हैं। प्रदेशत गुण को जानने से क्या लाभ है?
प्रत्येक गुण का अपना आकार अवश्य होता है जिसमें अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इससे स्वाधीनता का भाव आता है कि हर द्रव्य का अपना अपना आकार है, उस आकार को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, उस आकार में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जब ऐसा हमें मालूम होता है तो हमें अपनी इंडिपेंडेंसी का, स्वाधीनता का भाव आता है, पता चलता है कि हम कितने इंडिपेंडेंट हैं, कोई हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये प्रदेशक गुण को जानने से लाभ है। तो इस प्रकार हमने जो 6 सामान्य गुण है उनको यहाँ पर समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम जो नया टॉपिक रहेगा पर्याय, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि समुद्रगात होते तभी बड़ा होता है। रश्मिन जी, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? रश्मिन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, रश्मिन जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, उनका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो पूछना क्या चाह रहे हैं। समुद्रगात होते तभी बड़ा होते हैं। चलिए, जब वो पूछेंगे तो हम उनसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वो आपने बताया ना, प्रदेशत्व गुण के कारण जो आकार होता है वही होता है सिद्ध भगवान का। चलिए, को कोई प्रश्न? हेलो, हेलो, हाँ भैया, आपने बताया ना प्रदेशत्व गुण के कारण जो लास्ट आकार होता है वही होता है सिद्ध भगवान हाँ। का आकार हाँ। तो जैसे आदिनाथ भगवान की हाइट तो बहुत ज्यादा थी, तो उतना हाइट में होगा उनका? हाँ, जो उनका आकार था उसी हाइट में, उसी आकार की उनका आकार होगा। आदिनाथ भगवान का शरीर बड़ा था तो उनकी वैसी आकार होगा आत्मा का। अब देखिए, जैसे चींटी है तो चींटी का तो इतना छोटा सा शरीर होता है, तो आत्मा का आकार भी वैसा हो जाता है। और यदि वही जीव हाथी के शरीर में चले जाए तो वैसा आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है। और वो हमारी जो एग्जाम हुई थी उसमें हाँ। एक क्वेश्चन था कि मुनि महाराज शुभ भाव को कैसे देखते हैं, उपादेय गे हाँ। तो वो मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा कि गे भी राइट आंसर हो सकता था, क्योंकि वो तो कोई भी चीज को अच्छा बुरा मानते ही नहीं है वैसे तो हाँ। लेकिन जो आश्रव भाव है, जब हम 7 तत्वों का विभाजन करते हैं, जीव अजीव आश्रव वन संवर निद्रा मोक्ष, तो उसमें जीव है वो तो उपादेय है, और जो अजीव तत्व है उसे गेय कहा गया, और जो आश्रव और बंध तत्व है उन्हें हे कहा गया है, मतलब छोड़ने योग्य है। ओके ओके, ठीक है। हे हाँ। का मतलब वहां पर ये नहीं है कि वो उससे द्वेष बुद्धि रख रहे हैं। अच्छा, हे का मतलब ये है कि वो उन्हें छोड़ने योग्य मानते हैं। हाँ, मैंने हे का मतलब द्वेष बुद्धि लगा लिया था। देखिए, जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, और इस शरीर के प्रति हमारे मोह राग द्वेष है, तो शरीर और शरीर के मोह राग द्वेष में कुछ अंतर है या नहीं है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मुनिराज अपने शरीर को हे गे उपाधि में से क्या मानते हैं? हे, लेकिन देखिए यहाँ पर अंतर है। मुनिराज शरीर को तो गे मानते हैं, लेकिन इस शरीर के प्रति जो मोह राग द्वेष है उसे कैसा मानेंगे? हे, मतलब शरीर छोड़ने योग्य नहीं है, लेकिन इस शरीर के प्रति जो मोह राग द्वेष है वो छोड़ने योग्य है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ।
ये शरीर का छोड़ना नहीं छोड़ना वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, लेकिन इस शरीर के प्रति जो मोह राग द्वेष है उसको छोड़ना हमारा कर्तव्य है। और यदि वो मोह राग द्वेष छूट जाएंगे तो शरीर तो अपने आप छूट ही जाएगा, ठीक है। तो शरीर को कहा गेय है, और इस शरीर के प्रति जो मोह राग द्वेष है वो कैसे है, हेय है। तो जो बात क्वेश्चन में थी शुभ उपयोग, तो जो शुभ उपयोग है वो आश्रव बंध तत्व है, और आश्रव बंध तत्व होने की वजह से वो हेय है, ठीक है। हाँ, चलिए और कोई प्रश्न। चलिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, अभी की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। हाथ जोड़ लें आप सभी।